यही मैं इसमें 2020 में आया हुआ मैट्रिक से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ए इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी गिवन देन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसको करने का अप्रोच क्या भाई, आपको गिवन क्या, ए सिमेट्री दैट मीन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज स्क्यू सिमेट्री दैट मीन बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है बेटे, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स। यहां से अगर मैं देखता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, -1, अगर मैं बोथ साइड ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हो गया कि भाई ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, 5, 3 एंड -1। आपको पता है ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए, एंड बी ट्रांसपोज की -b, तो 2, 5, 3 एंड -1, ये आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी गिवन आ गया और ए प्लस बी आपके पास ऊपर गिवन है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो यहाँ से b, तो 2a इज इक्वल टू 2 2 4 8, 8 एंड -2, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, 4, 4 और -1। अगर ए ही है तो बी कितना आएगा भाई, अगर ए ही है तो बी कितना, तो बी यहाँ से ए माइनस होगा तो बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, -1, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो 2, 4, 4 एंड -1। अगर यहाँ पे मैं बी देखूँ तो 0, -1, 1 एंड -1, फिर -0, बी आ गया। आपसे पूछा गया ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ए कितना आपके पास 2, 4, 4 एंड -1, 0, -1, 1 एंड 0। दिस इज 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, दिस इज 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, आउटपुट क्या आएगा 2 बाय 2, रो एंड कॉलम मल्टीप्लीकेशन 0, 4, तो फर्स्ट 4, -2, 0, यहाँ पे करेंगे तो 4, 0, -1, यहाँ पे करेंगे तो 4। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरह से देखा आपने कि मैट्रिक्स का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी लग गई, सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री, ये आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्री केस क्या होता है, इफ एनी मैट्रिक्स, इफ यू हैव अ गिवन मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज दिस एंड बी माइनस का बी, दिस इज योर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के लिए आपको ट्रांसपोज जरूरी है, ट्रांसपोज का भी नॉलेज हो। इस तरह से आपका जेई मेंस 2020 में सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ जिसे आप 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखा आपने कि मैट्रिक से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया। इसी तरह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बच्चों को प्यार दें, बड़ों को आदर करें। धन्यवाद।